इसमें जो है कपिंग का प्रोसेस बताया जा रहा है। जिस जगह पे दर्द होता है उस जगह का यदि दर्द कम करना हो तो कपिंग के प्रोसेस से दर्द को कम किया जा सकता है। ये बड़ा ही आसान है। इसमें एक ऑपरेटर सीधा साधा एक मोटर होता है जिसका मुहाना जरा मोटा हो तो अच्छा है, यदि नुकीला मुहाना रहेगा तो स्किन में चुभता है। इसलिए कांच का एक मोटर है जिसका किनारा थोड़ा मोटा है। जब हम लोग उसमें लाइट जलाते हैं तो लाइट के द्वारा जो है वहाँ ऑक्सीजन मिल होता है और मोटर के अंदर में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और उस वैक्यूम की वजह से वो स्किन को पकड़ लेता है। जब स्किन को ऐसे खींचते हैं तो स्किन का मसाज भी हो जाता है और स्किन का जो फाइबर्स होते हैं वो भी डेवलप होने लगते हैं। वहाँ चूँकि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो एक इंस्टेंट मतलब तुरंत ही जो है दर्द में आराम मिलने लगता है। ये बहुत ही पुरानी पद्धति है जिसको इम्यूनो कपिंग के नाम से जाना जाता है। दूसरे भी सिस्टम्स में इसके उपयोग होते हैं। चाइनीज़ थेरेपी वगैरह में इसका उपयोग इम्यूनो भी होता है। मॉक्सी सिस्टम्स वगैरह भी यही एक प्रोसेस है। तो इस तरह से मिलता जुलता बहुत सा प्रोसेस है लेकिन इसमें कंट्रोवर्सरी बना हुआ है इसलिए क्योंकि इसका आज तक कोई फेयर ट्रायल खूब बढ़िया से नहीं हुआ है। फेयर ट्रायल नहीं होने की वजह से बहुत से लोगों को इस सिस्टम पर विश्वास नहीं भी होता है। लेकिन कपिंग का एक हम एक उदाहरण है। यहाँ जो हमारे हाथ में यहाँ फ्रैक्चर हुआ था तो फ्रैक्चर होने के बाद वहाँ पर एक ब्रेक लगा करके ट्रीटमेंट किया गया। 2 महीने के बाद भी अपने हाथों को मैं अच्छे से मूव नहीं कर पाता था लेकिन जब से फिजियोथेरेपी नेवर सिंह का इसमें आया है इन्होंने इसको जो कपिंग का उपयोग दिखाया तो देखा ये जा रहा है कि कपिंग से हमको काफ़ी अच्छा फायदा मिला और डेल्टॉइड मसल्स में जो है हेल्दी हुआ है। तो कपिंग में वाकई बहुत ही राहत मिलती है लेकिन एक अकेले के नहीं एक बहुत मास बृहद पैमाने पर यदि इस पर काम किया जाए और तब वहाँ से कोई एक डाटा निकल कर के आए तब जाकर समझ में आएगा कि हाँ इससे कितना फायदा है। तो ज़रूरत है आप लोग भी यदि हो आजमाएं नहीं लेकिन हेल्दी पेशेंट को या हेल्दी लोगों पर करके देखें कि इससे क्या होता है। गांव में आज भी प्रचलित है कि पेट में दर्द होता है तो लोटा को उल्टा करके बैठाने का रिवाज है पेट पर तो देखा जाता है कि आमाशय वगैरह ठीक हो जाता है। तो एक्चुअली वास्तव में वो इसी का एक रूप है, कपिंग का ही एक रूप है। तो ये आज ऑपरेटिव एरिया पर ये प्रोसेस कर रहे हैं, ये नेवर सिंह में एक अम्बेस्टर रहने वाले हैं और मैं डॉक्टर सी पी वर्मा हूँ। मेरा ही 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था।